स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेंस 2023। बच्चों अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के वो हाई वेटेज टॉपिक जिससे प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे और इस साल भी अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं चार शिफ्ट जो हो चुका है उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर हम इन हाई वेटेज टॉपिक्स को रिवाइज करके चले जाए, मान लो बच्चे की आधी अधूरी तैयारी है, आप इतने टॉपिक्स को करके चले जाओगे तो आप लगभग फुल स्कोर कर सकते हो, बढ़िया स्कोर एटलीस्ट कर सकते हो। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर द हाई वेटेज टॉपिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं और इट इज वेल एक्सपेक्टेड कि अब के जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी आएंगे। हमें पैटर्न देखना चाहिए जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो लुक एट द पैटर्न, किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं तो उनको अगर हम अच्छे से करके जाएं तो क्वेश्चन हमारे नहीं छूटेंगे। सो ये ऑब्जर्वेशन है और उससे हमें फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन टॉपिक्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों इतने टॉपिक्स को जरूर देख के जाना ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। ये बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इट विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो। फॉर्मूला शीट का अच्छे से आपको याद होना चाहिए, इन सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट निकालो, लिख के प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि अब फिजिक्स में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रह रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। सो अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है, और जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, वहाँ आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म याद करोगे, देन नेम रिएक्शंस याद करोगे। जब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वहाँ आपको एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यू शुड हैव अ फार्मूला शीट, जो सारे फार्मूलाज आपको पता होंगे तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट ले सकते हो, और मैथ्स में तो आपको फार्मूला के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो फार्मूला शीट आपके पास होना बहुत जरूरी है, एंड रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब चैनल ऑल्सो।